तो देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने जब ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी तो हमने बात की थी इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं इक्वालिटी ऑपरेटर्स के बारे में, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखिए ये काम करते हैं इंटीजर टाइप के लिए, फ्लोट के लिए एंड स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग के लिए थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में काम करते हैं। देखिए स्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं ना कि ये यूनिकोड वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं कंपैरिजन के लिए, तो वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एसएच नहीं करेंगे। सो इफ आई एंड जे आर वेरिएबल नेम्स, देखिए वेरिएबल नेम्स है ये, राइट, देन द फॉलोइंग इवैल्यूएट टू अ बूलियन। तो अब ये देखिए या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये चीज देखिए या तो ट्रू होगी फॉल्स होगी, ये सारी चीजें देखिए या तो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। भाई अगर मान लीजिए आई की वैल्यू है 3, जे की वैल्यू है 5, तो 3 less than 5 इज ट्रू। एट द सेम टाइम अगर आई की सेम अगर रखते हैं तो ये वाली जो है वो फॉल्स इवेल्युएट होगी एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट लेस है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन है, तो ये चारों ऑपरेटर्स देखिए सिंपल हैं, आपको पहले से ही पता होंगे। हमको बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो इवेल्युएट होंगे ये सब, राइट, उसकी टाइप बूलियन होगी। यानी कि देखिए खुद इंटीजर है, इंटीजर है, राइट, लेकिन जब जो फाइनल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो बूलियन होगी, बिकॉज वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब इसमें देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 3.5 less than 5 तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो यानी कि आप जो है इंट और फ्लोट में कंपैरिजन अलाउड है यहां पे। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग से कंप्यूट करना चाहते, मान लीजिए अगर आप करना चाहते हैं 3 less than 5 तो ये वाली चीज जो है अलाउड नहीं है। ये हम सारी चीजें अभी देखिए कोड में देखेंगे। I equal to J, देखिए वैल्यूज की बात हो रही है यहां पे सारी। I एंड J आर वेरिएबल नेम्स एंड ये जो कंपेरिजन हो रहे हैं ये हो रहे हैं इनकी वैल्यूज पे। I दिस इज नॉट इक्वल टू एंड ये देखिए मैथमेटिकल इक्वालिटी है। यानी कि यहां पे देखिए टेस्ट किया जाएगा कि I की वैल्यू J की वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो अगर I की वैल्यू J की वैल्यू के बराबर नहीं है तो ये इवेल्युएट होगा फॉल्स, और अगर बराबर है तो ये ट्रू होगा। एट द सेम टाइम ये देखिए इसका उल्टा है, अगर वैल्यू बराबर नहीं है तब तो ये ट्रू होगा, और अगर वैल्यू बराबर है तब ये फॉल्स होगा। तो इन सबको देखिए आइए देखते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू। तो ये देखिए अगर हम इसको रन करते हैं तो देखिए इसमें फर्स्ट वैल्यू ट्रू है क्योंकि I की वैल्यू जो 2 है वो 3 से कम है जो कि J की वैल्यू है। सिमिलरली सेकंड भी देखिए ट्रू है, थर्ड फॉल्स है ऑफ कोर्स, फोर्थ भी फॉल्स है ऑफ कोर्स। I J के बराबर नहीं, I की वैल्यू J की वैल्यू के बराबर नहीं है तो ये फॉल्स है, और देखिए I की वैल्यू J की वैल्यू के बराबर नहीं है तो इसलिए लास्ट वाला जो ऑपरेटर है वो हमको ट्रू दे रहा है। यही चीज देखिए वापस ट्रू है अगर हमने दोनों में से एक वेरिएबल के टाइप को अगर मान लीजिए फ्लोट भी कर दिया है तब भी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास अभी भी I less than J है और वैल्यूज जो हैं वो ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू हैं इन रिस्पेक्टिव ऑपरेटर्स की। अब आप चाहें तो आप इसको 3.1 भी कर सकते हैं, नथिंग शुड चेंज, देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अब अगर मान लीजिए आप यही काम करते हैं स्ट्रिंग के साथ, अब देखिए अगर हम इसको रन करते हैं जिसमें देखिए k जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो अब ये देखिए हमारे पास एरर आता है जिसका नाम है टाइप एरर। यानी कि जो ऑपरेटर लेस देन है वो सपोर्ट नहीं करता है अगर एक वैल्यू फ्लोट है और दूसरी स्ट्रिंग है। देखिए फ्लोट में और इंट में आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने
कंपैरिजन किया इंट और स्ट्रिंग के बीच में या फिर फ्लोट और स्ट्रिंग के बीच में, तो हमारे पास आया टाइप एरर, यानी कि ये ऑपरेशन जो है अलाउड नहीं है। लेकिन यही ऑपरेशन देखिए स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बीच में अलाउड है। तो अब ये देखिए के और एल दो स्ट्रिंग्स हैं और इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये देखिए हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। इस केस में देखिए क्या होता है कि कंपैरिजन्स होते हैं बेस्ड ऑन यूनिकोड वैल्यूज ऑफ दीज बाइट्स या कैरेक्टर्स, राइट। तो देखिए क्या हो रहा है ना इसमें कि यूनिकोड ऑफ स्मॉल एच इज ग्रेटर देन कैपिटल एच। तो इस केस में एल वाला जो कोरिस्पोंडिंग कैरेक्टर्स हैं यहां पे हाई वो बड़े हैं उससे, तो ये कंपैरिजन में हमको फॉल्स आ रहा है बिकॉज एल इज नॉट लेस देन के। लेकिन एज आई सेड बिफोर कि इस कंपैरिजन में हम नहीं जा रहे हैं, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस टाइप की कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखिए बात करेंगे आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। इज नॉट, तो मान लीजिए अगर आप करते हैं, देखिए इज ये चेक करता है कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं क्या ये एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। देखिए हमने हमको पता है कि अगर ये वेरिएबल की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू अगर 2 है, तो ये दोनों मेमोरी में सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। तो अब देखिए अगर हम करेंगे ए इज बी, तो ये जो है हमारे ट्रू आएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम करते हैं a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2, और अब अगर हम करते हैं a इज b तो वो फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे कंपैरिजन जो हो रहा है वो इस बेसिस पे हो रहा है कि क्या ये दोनों वेरिएबल सेम है। सेम किस सेंस में? क्या ये सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट है क्या वो सेम है। वैल्यूज की बात यहां पे नहीं है हो रही है, वैल्यूज के लिए ऑपरेटर्स ये थे। तो ये वाला ऑपरेटर है, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं इसको। इस कंपेयर करता है वेरिएबल, ये जो दो वेरिएबल्स हैं अगर वो मेमोरी में सेम है तो वो आपके इज है, यानी कि whether they refer to the same object in memory or not, equal to उन दोनों की values को check करता है। लेकिन is check कर रहा है variables themselves को कि क्या ये object memory में वही object है जिसको A point कर रहा है and जिसको क्या B भी point कर रहा है। And similarly is not, तो ये is not जो है ये अपने corresponding to this हो जाएगा। सिमिलरली देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर्स आप लिखते हैं हाई इक्वल टू हेलो। अब अगर आप चेक करते हैं कैपिटल एच इन हाई तो ये देखिए आपको देगा ट्रू, और आप लिखते हैं जेड इन हाई तो ये देखिए आपको देगा फॉल्स। यानी कि ये चेक करता है कि इस गिवन चीज में क्या ये चीज है, मेंबरशिप चेक करता है बेसिकली ये, राइट। देखिए इसमें स्ट्रिंग जरूरी होगी। तो अब देखिए हम चेक करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के लिए। ये देखिए ए इज बी, ए एंड बी मेमोरी में हमको पता है कि अगर वैल्यूज -5 से लेके 256 तक है पाइथन में तो वो सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करेंगे चाहे जितने भी वेरिएबल्स हुए। तो देखो ए इज बी, ए उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसको बी रेफर कर रहा है, तो ये ट्रू है। लेकिन ए इज सी, ए और सी देखिए मेमोरी में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहे हैं तो ये फॉल्स है। ए इज नॉट बी,
लेकिन ए एक्चुअल में बी है, यानी कि ए इज नॉट बी फॉल्स है, क्योंकि ए और बी एक्चुअल में उसी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। ए इज नॉट सी, यानी कि ए अलग मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, सी अलग मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, तो देखिए ये ट्रू है बिकॉज ए इज नॉट सी। सिमिलरली अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स में देख लेते हैं, देखिए ये देखिए हाई इक्वल टू हेलो, तो हमारा ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है इस हाई इस वेरिएबल की जिसका नाम है हाई, इसमें हमने देखा, इसमें हमने पता किया वेदर कैपिटल एच इज इन हाई और नॉट। तो देखिए हाई जो वेरिएबल है वो ये है स्ट्रिंग, और कैपिटल एच इसमें है तो इसने ट्रू दिया। अब मान लीजिए इसमें अगर हम स्मॉल एच चेक करते हैं तो ये देखिए इसने फॉल्स दिया है। और जरूरी नहीं कि हम इसको इस तरीके से करें, हम इसमें वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो न्यू इन हाई, ये देखिए आपको ट्रू दिया है बिकॉज न्यू की वैल्यू जो है वो ई है और ई उसमें है। तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर्स के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि वेदर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दूसरी चीज है या नहीं है। नाउ आप ये ऑलरेडी देखिए, देखिए ये सब वैल्यूज जो आ रही हैं, ये सारी चीजें जो भी हो रही हैं, सब की खुद की वैल्यू इवेल्युएट होने के बाद में इन ऑपरेटर्स के साथ में वो बूलियन है, यानी कि या तो ट्रू है या फॉल्स है, और टाइप की कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। अब फाइनली हम देखिए बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। देखिए ये वाली जो स्लाइड है ये हमने अपने मेन सोर्स से ही ली है। तो देखिए ए एंड बी आर वेरिएबल नेम्स विद बुलियन वैल्यूज। अब अभी तक तो देखिए ए एंड बी जो हमारे थे वो या तो इंट वैल्यू थी या फ्लोट थी या स्ट्रिंग थी, लेकिन अब देखिए हम बोल रहे हैं कि ए एंड बी वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज ही बुलियन ही है, यानी कि इनकी वैल्यूज या तो ट्रू है या फॉल्स है। तो नॉट ए क्या करेगा, देखिए ट्रू है इफ ए इज फॉल्स, यानी कि ए अगर मान लीजिए फॉल्स है तो नॉट ए जो है वो ट्रू हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, अगर ए फॉल्स है तो नॉट ए जो है वो ट्रू हो जाएगा। ए एंड बी, देखिए ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, ये सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जो हमने अभी तक बोले नॉट इज एन या वेरिएबल्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। सो ए एंड बी ट्रू इफ बोथ आर ट्रू, ए और बी ट्रू इफ ईदर और बोथ आर ट्रू। तो यानी कि देखिए अगर ए की वैल्यू दोनों ट्रू है तब ए एंड बी भी ट्रू है, ए और बी भी ट्रू है। कोई भी एक भी फॉल्स है तो देखिए ए एंड बी तो फॉल्स हो गया, कोई भी एक भी ट्रू है तो देखिए ए और बी ट्रू हो गया, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो ए और बी भी फॉल्स है। ये सारे ऑपरेटर्स देखिए जो हमने अभी तक किए हैं, ये सारे हमारे काम आने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जहां पे हम कुछ कंडीशंस लिखेंगे यूजिंग दीज ऑपरेटर्स, एंड डिपेंडिंग ऑन कि वो कंडीशन आपके ट्रू है या फॉल्स है आगे के स्टेप्स लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।